हरे कृष्णा। मैं राधा मोहिनी मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी आज का चर्चा का विषय है मन की शांति कैसे प्राप्त करें, मन की शांति कैसे प्राप्त करें। यह एक बहुत ही आवश्यक विषय है आज की इस आधुनिक जीवन प्रणाली के लिए। आज हम शहरों में रह रहे हैं और यदि आप देखेंगे तो शहरों में अधिकतर लोग आपको अशांत ही मिलेंगे, हमेशा भाग दौड़ करते हुए मिलेंगे, कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए हमेशा तेज़ दौड़ में भाग रहे हैं। तो हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में शांति कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए हमें पहले ये जान लेना होगा कि मन की शांति प्राप्त करना है तो मन क्या है ये जानना अति आवश्यक है। हमारा जो मन है वह हमारे सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है। ये हमारा स्थूल शरीर है जो कि पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी है जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना है। मन बुद्धि अहंकार तीनों का अपना अपना काम है। बुद्धि का काम है फर्क करना, निर्णय लेना और उस निर्णय पर दृढ़ता से टिके रहना, ये बुद्धि का कार्य है। और मन का कार्य है इच्छाएं करना, उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए विचार करना, और जब वो इच्छाएं पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं तब हमें जो अनुभव होते हैं उनकी अनुभूतियों को ग्रहण करना। तो हमारा जो मन है वह क्या है, हमारा मन हमारी अब तक की जितनी भी पूर्ण और अपूर्ण इच्छाएं हैं उनका स्टोर रूम है, संग्रह गृह है, और साथ ही हमारी अच्छी और बुरी अनुभूतियों का, गुड एंड बैड फीलिंग्स का ये स्टोर हाउस है। तो हमारा मन जो है यह तृप्त और अतृप्त इच्छाओं का संग्रह घर है और साथ ही हमारी अच्छी और बुरी अनुभूतियों का संग्रह घर है। ये हमारा मन है और मन का कार्य क्या है, इच्छाएं करना, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए विचार करना और अनुभूतियां लेना, विलिंग थिंकिंग एंड फीलिंग। विलिंग का अर्थ है इच्छाएं करना, थिंकिंग का अर्थ है उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए विचार करना, और फीलिंग का अर्थ है अनुभूतियां ग्रहण करना। ये मन के कार्य हैं। अब सवाल आता है कि मन में इच्छाएं उत्पन्न कैसे होती हैं। तो मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जब हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषय की किसी वस्तुओं को देखती है तो उसे प्राप्त कर भोग करना चाहती है, और मन उनके लिए कार्य करता है, आदेश देता है। अब हम आते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें। कई जन्म जन्मांतर से शरीर बदलते बदलते हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे मन में बहुत सी तृप्त और अतृप्त इच्छाएं भरी पड़ी हैं और साथ ही बहुत सी अच्छी और बुरी अनुभूतियां भरी पड़ी हैं, और हम इस तरह से बद्ध हैं कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं, और शरीर मानने की वजह से जैसे ही हमें कोई भौतिक वस्तुएं दिखती हैं, भोग की वस्तुएं दिखती हैं, हम उसको प्राप्त करने के लिए ललायित हो उठते हैं। तो ये सब कार्य मन करते रहता है। भगवान ने मन को शांत करने के लिए जो सरल उपाय बताया है वह हम भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता
प्रभुपाद की एज इट इज से एक श्लोक का उदाहरण लेंगे, दूसरे अध्याय का यह 66 नंबर 2.66 नंबर श्लोक, इससे हम इस प्रश्न के उत्तर को सरल करने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावत्य शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, अर्थात जो अपने आप को आत्मा न मानकर शरीर मानता है, साथ ही अपने आप को कृष्ण का भक्त या कृष्ण का सेवक नहीं मानता है, उसकी ना तो भावना पवित्र होती है क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा है। इसकी वजह से अहंकार के नीचे है बुद्धि, तो इसी वजह से इसकी बुद्धि अपवित्र रहती है। बुद्धि अपवित्र रहने से इसका मन दूषित रहता है, मन में असंख्य इच्छाएं उत्पन्न होती हैं भोग तृप्ति करने की, और जिसका मन असंतुष्ट है वह शांत कभी नहीं रह सकता है। तो इस श्लोक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि हमें सचमुच मानसिक शांति चाहिए तो हमें अपने आप को मालिक नहीं समझना है, हमें अपने आप को नियंत्रक नहीं समझना है, हमें अपने आप को आत्मा, और आत्मा भगवान का सेवक है, हम भगवान के दास हैं, और हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, दास बनकर नौकर बनकर। जब तक हमारे अंदर यह भाव परिवर्तन नहीं होता है कि हम आत्मा हैं और आत्मा भगवान की सेवक है, इस भाव परिवर्तन के बाद ही हमारी बुद्धि पवित्र होगी, क्योंकि हम भगवान की सेवा के लिए निर्णय लेंगे, दृढ़ता रखेंगे, और हमारी जो इच्छाएं होंगी, हमारे जो विचार होंगे, हमारी जो अनुभूतियां होंगी मन के अंदर, वो सब भगवान की सुख और संतुष्टि के लिए होगी, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। तो सच्चा सुख प्राप्त करने का सरलतम उपाय यही है कि हम अपने आप को आत्मा समझें, शरीर ना समझें, हम अपने आप को मालिक ना समझकर भगवान का दास समझें। भगवान का दास समझने से हमारी बुद्धि पवित्र होगी, बुद्धि पवित्र होने से हमारा मन जो है वो संतुष्ट रहेगा, और इससे हमें सुख और शांति प्राप्त होगी। तो सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहना अति आवश्यक है। हरे कृष्णा।